हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अमेजोन पे का बैलेंस जो है वो बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि अमेजोन ऐसी कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता जहाँ से आप अपना वॉलेट बैलेंस जो है वो अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर पाएंगे। उनकी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं, फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अदरवाइज जो भी उनकी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं उस बैलेंस का, पर आप उसे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक वे बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपना पैसा वॉलेट से निकाल करके डायरेक्ट बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर पाएंगे, अपने अकाउंट के अंदर या अपने फ्रेंड के अकाउंट के अंदर। वो सारा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। साथ ही एक और चीज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से इमरजेंसी पीरियड में बैलेंस को कैसे निकालेंगे, कैसे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे और कैसे विड्रॉल आपको करना चाहिए। बेसिकली अगर आप एटीएम से विड्रॉल करते हैं तो आपको काफी चार्ज देना होता है, पर आज की स्टूडियो में मैं बताऊंगा कि पहले आप ऐसा ना करें, पहले आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल करके अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करें ऑनलाइन मर्चेंट के थ्रू, और साथ ही उसके बाद फिर आप उसे नॉर्मल डेबिट कार्ड से अकाउंट से पैसे निकालें, तो आपको यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको नहीं देना पड़ेगा। अदरवाइज आप काफी हद तक यहाँ फंस सकते हैं, काफी पैसा आपका लॉस हो सकता है। रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपके लिए कोई अच्छी वीडियो मैं बनाऊं तो आप उसका नोटिफिकेशन देख करके आप उसका फायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जहां मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो गाइस, मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जेस्ट मनी के ऊपर कि जेस्ट मनी के अंदर आपका बैलेंस है और आप चाहते हैं कि वो बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाए, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने सभी कुछ बता रखा है। और साथ ही मैंने एक पेमेंट प्रूफ का भी वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, या ये वीडियो देखिएगा तो इसके आई बटन में आपको दिख जाएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा। और इस वीडियो के आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा सभी के, जहाँ से आप पेमेंट प्रूफ भी देख सकते हैं और ये वीडियो भी देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है कि जेस्ट मनी का क्रेडिट बैलेंस आप बैंक अकाउंट के अंदर कैसे ट्रांसफर करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं। अभी जो हम सीखने वाले हैं अमेजोन पे का जो बैलेंस है उसे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कैसे करना है, तो मैं अमेजोन पे का अकाउंट ओपन करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल मेरे अकाउंट के अंदर अभी पैसे नहीं है, 35 रुपीज़ ओनली है। और मैं आपको ट्रांजेक्शन दिखा दूँ अपनी, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन देख सकते हैं काफ़ी बड़े अमाउंट का मैंने ट्रांजेक्शन कर रखा है। पहले 1500, फिर 1000, या तकरीबन 10-10 हज़ार रुपये के तीन ट्रांजेक्शन किए मैंने, फिर 30 हज़ार रुपये, फिर 200 रुपये समथिंग, ये सभी मैंने अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर लिए हैं, कोई भी मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। तो ये कैसे करना है, किस तरीके से ट्रांसफर होगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पर साइन अप करना होगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका नाम है paymatrix.com। ये आप रेफरल जरूर यूज़ करें, ये भी मैं दे दूंगा। इससे आपको बेनिफिट होगा कि कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे, जो आप ट्रांजेक्शन करते वक्त जो चार्जेस लगेंगे वो आपके चार्जेस कम हो जाएंगे। हमारे रेफरल लिंक से अगर आप साइन अप करते हैं तो आपको चार्जेस थोड़े से कम हो जाएंगे और आप इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। सिंपली आपको यहाँ पर साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए आपको सिर्फ अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, एक पासवर्ड चूज करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है रेफरल कोड, इस पर क्लिक करना है और रेफरल कोड इंटर करना है, वेरीफाई करना है, कैप्चा डाल करके आपको सिंपली क्रिएट अकाउंट पे ओपन करना है। अब अकाउंट ओपन करते वक्त, साइन अप करते वक्त एक बात का आपको ख्याल रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आप ही के अकाउंट में ट्रांसफर हो जो आपके नाम से अकाउंट है, तो यहाँ पे साइन अप आप किसी और नाम से करें, ईमेल आईडी अलग यूज करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, बिकॉज यहाँ पर पे करने वाला और रिसीव करने वाला दोनों सेम नहीं होना चाहिए। और अगर आप अपने अकाउंट अपने नाम से साइन अप करते हैं, अपनी ईमेल आईडी यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो आप कोशिश करें कि अपना पैसा जो है वो किसी अदर अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, अपने फैमिली मेंबर के किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दें या फिर अपने फ्रेंड के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें और उसके बाद वहाँ से उससे कैश या विदड्रॉल करवा लें। तो चलिए मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह से वर्क करना है, कैसे काम करना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी, अपना पासवर्ड डाल दिया और यहाँ पे कैप्चा जो सिंपली यहाँ पे 3+3 जो है वो 6 होता है, तो सिंपली यहाँ पे कैप्चा इस तरह से फिल करना है। तो यहाँ पर ये डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक पे रेंट का और दूसरा बिल पेमेंट का। तो पे रेंट का यूज़ ना करें आप, बिकॉज पे रेंट को यूज़ करते हैं तो मे बी इन फ्यूचर कभी ऐसा हो कि आपसे जो है वो एग्रीमेंट वगैरह मांग लिया जाए तो आप यहाँ पे फंस सकते हैं। एग्रीमेंट वगैरह कहाँ से आप प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि आप तो रेंट नॉर्मली पे नहीं कर रहे हैं। तो बिल पेमेंट का ऑप्शन यूज़ करें, बिल पेमेंट पर क्लिक करें। बिल पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड बिलर पर क्लिक करना है। जैसे ऐड बिलर पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर उस अकाउंट का आईएफएससी कोड डालना है जिसमें आप ट्रांसफर करना चाहते हैं और वो अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। मे बी वेरीफाई करने के बाद आपके अकाउंट में 1 रुपये ट्रांसफर किया जाए, क्रेडिट किया जाए, तो आपका बैंक अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाएगा। जब वेरीफाई हो जाएगा तो सिंपली फिर आपको इसी पेज पर आना है और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा नाम आ रहा है और अकाउंट नंबर। यहाँ पे आप जितना भी अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर 5000 रुपये आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो 5000 रुपये लिख दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, ट्यूशन फी, स्कूल फी, जो आपका दिल करे वो लिख दीजिए और सिंपली आप पे नाउ पर क्लिक कर दीजिए।
पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे कि आपके क्या चार्जेस लग रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 5,000 ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं, तो 118 रुपये मुझे चार्ज देना होगा और यहाँ पे माइनस करके ओनली 93 रुपये देने होंगे, क्योंकि मैं रेफरल बताया आपको कि रेफरल यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन में कमी मिलेगी, यानी ट्रांजेक्शन में आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे पेमेंट के। तो सबसे पहले अगर मैं अमेजोन पे की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे वॉलेट्स पर क्लिक करेंगे आपको सबसे ऊपर भी ही अमेजोन पे का ऑप्शन दिख जाएगा। अमेजोन पर क्लिक करना है और मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो अगर उस ब्राउजर के अंदर आपका अमेजोन का आईडी लॉगिन है तो ऑलरेडी आपको पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आप पे नाउ कर दीजिए, अदरवाइज आपको ईमेल आईडी अपना पासवर्ड डाल करके पहले अमेजोन का अकाउंट लॉगिन करना होगा और सिंपली आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, 1 से 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पर टॉप पे आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से अमेजोन पे का आपने यूज किया था उसी तरीके से क्रेडिट कार्ड का भी यूज करना है बिल पेमेंट के लिए। और सिंपली यहाँ पे क्रेडिट कार्ड उस पर नाम जो है वो डालना है आपको, पास क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी डालनी है, सीवीवी डालना है, ओटीपी डालना है, मेक पेमेंट पर क्लिक करके ओटीपी डालना है और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको हिस्ट्री पर आना है। हिस्ट्री पर आने के बाद यहाँ पर आपका दिखेगा कि आपने क्या ट्रांजेक्शन किया है। ये सारे फेल जो दिखा रहे हैं मैंने ट्राई किए थे पर मैंने पेमेंट कंप्लीटेड नहीं किए थे, इस वजह से ये सारे फेल दिखा रहा है। आप देख सकते हैं 29,000 रुपये का पेमेंट सेटल है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपको लिख दिया जाएगा कि 3 वर्किंग डेज के अंदर जो है वो आपका पैसा जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये रिसिप्ट आपको मिल जाएगी, रिसिप्ट डाउनलोड करेंगे आप तो यहाँ पर पूरा डिटेल आपको दे दिया जाएगा कि आपने कौन से नेम से, किस मोबाइल नंबर से, ईमेल आईडी से आपने ट्रांसफर किए हैं, कितना अमाउंट है, क्या चार्जेस लगे, टोटल चीज़ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ अमेजोन पे का बैलेंस भी जो है वो अपने बैंक अकाउंट के अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड का भी यहाँ पर यूज करके आप इजीली अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करके आप उसका विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे लाइक करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने जेस्ट मनी वाले वीडियो नहीं देखा है तो इस पे देख लीजिए। अगर आप जेस्ट मनी पर वीडियो चाहते हैं कि जेस्ट मनी क्रेडिट बैलेंस कैसे मिलता है और कैसे अप्लाई करना होता है इस पर वीडियो चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिख सकते हैं। अगर कोई आपका सवाल हो तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन पर लिख सकते हैं, उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश।